Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. हेलो ब्लेसेस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो यहाँ पे तो हेलो, माय नेम इज़ सोनल राजपूत एंड मैंने रिसेंटली 600 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। सो मेरी कानपुर की सीरीज़ में आज एक नया वीडियो है जहाँ पे मैं गई थी अपने मामा के प्लॉट पे, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जो भी पार्ट अभी तक बन चुका है हम वो यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे रोशनी और संध्या दीदी हमें बता रहे थे ये अलग अलग रूम्स है जो कि बनने वाले हैं। अभी आधा ही हुआ है काम, मे बी हम अगर नेक्स्ट ईयर तक आए या फिर उसके बाद तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे रूम्स है और अपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक किचन बनने वाला है, मे बी किचन हो बिकॉज मुझे अच्छे से याद नहीं है। ये वीडियो बहुत अभी एक मंथ होने आ रहे हैं, मैंने इसको एडिट नहीं किया था, माय बैड, बिकॉज मैं डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी आ गई, बट दैट्स दैट। एंड ऑल्सो ये वीडियो ये पूरा वॉइस ओवर होने वाला है बिकॉज यहाँ पे बीच बीच में कभी पापा बोल रहे थे, कभी मैं बोल रही थी, सो यहाँ मेस्टअप हो जाता है सब कुछ, इसलिए आई थॉट वॉइस ओवर इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। एंड यहाँ मम्मी डर गई थी क्योंकि यहाँ पे एक मधुमक्खी ने ऊपर सीलिंग में छत्ता बना के रखा था, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊँगी आगे। सो ये ऊपर का टेरेस पार्ट है, यहाँ पे से पूरे हर जगह पे खेती की गई थी, वो भी सिंगाड़े की। एंड मैंने यहाँ पे बहुत सिंगाड़े खाए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने इस बार गाँव में। सो पापा यहाँ पे हमें दिखा रहे थे, ये जो अलग अलग लोगों ने ऐसे स्क्वायर जैसे बना के रखा है ना, ये उनके खुद के प्लॉट्स हैं, ये लोग वहाँ पे अभी बनाएंगे। जिन्होंने बना लिए उनके अभी तक बन चुके हैं, बाकी तो यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली पूरा पानी भर जाता है, इसके वजह से सिंगाड़ा इज़ द बेस्ट थिंग टू ग्रो। सो ये है वो मधुमक्खी का छत्ता जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, आई डोंट नो ये कैसे उसको हटाएंगे, बट दैट्स दैट। और ये ऊपर का टेरेस का व्यू है, यहाँ पे मैंने, मामा, मौसी, नाना, हम जितने भी लोग आए थे सबने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली थी। ये मेरे मामा, मामी, मौसी, नानी सब है, बहुत सारे एल्डरलीज आए थे फ़ोटोज़ के लिए भी। सो यहाँ पे पापा मुझे फ़ोटो के लिए बोल रहे थे क्योंकि मैंने और पापा ने सेम कुर्ता पहना था, वाइट वाइट। ये मैं जानबूझ के लेकर आई थी फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स, क्योंकि हम दोनों ट्विनिंग करना चाहते थे। एंड हमें सब नेताजी चिढ़ा रहे थे, बट चलता है क्योंकि हम अच्छे दिख रहे थे, तो मैं बहुत खुश थी। और यहाँ पे पापा ने हाथ में मेरा स्टैंड लेके रखा हुआ है जो कि हमने फ़ोटोज़ के लिए यूज़ किया था, और यहाँ पापा सबको बाय कर रहे, उनको फील भी नेताजी वाली आ रही थी क्योंकि हमेशा पापा गाँव में ये वाइट कुर्ता एंड पैजामा एक ना एक बार तो पहनते ही पहनते। सो इस बार मैंने सोचा था मैं भी उनके साथ ट्विन करूँगी और फिर हम साथ में पहनेंगे। और यहाँ पे हम जा रहे हैं सिंगाड़े दिखाने, अगर हमें दिखे तो, क्योंकि क्या हुआ था ना, ये टाइम पे बहुत से लोगों ने अपने खेत से निकाल लिए थे क्योंकि ये सीज़न ही उसका था, तो फिर ऐसा था कि उन्होंने अपने नेक्स्ट सीज़न के ग्रोथ के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे मम्मी भी है, मे भी मम्मी को भी हमें वाइट पहनाते तो मम्मी भी मैच करती, बट चलता है। वैसे तो यहाँ पे हम जा ही रहे थे सिंगाड़े की खेती देखने के लिए, बट हमें ज़्यादा तो नहीं दिख पाया। यहाँ पे छोटू भैया ने ट्राई किया था हमें दिखे अगर पास पास में, क्योंकि यहाँ लोगों ने ऐसा रस्सी भी लगा रखी थी कि कोई और जानवर ना जा सके, तो यहाँ पे उन्होंने एक वो ऐसा पूरा फ्लोटिंग, ये एक फ्लोटिंग प्लांट होता है तो फिर इसके नीचे ग्रो करते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे छोटू भैया बहुत ट्राई कर रहे थे कि वो फ्लिप कर पाए उसको हमें दिखाने के लिए। और एक और चीज़ का डर लग रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे ये सांप की केचुली देखी थी और ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी, सो यू नेवर नो कि क्या पता सांप भी हो वहाँ पे। फिर उसके बाद पापा ने ट्राई किया कि वो अगर वो प्लांट को फ्लिप कर सके तो फिर क्या पता हमें दिख जाए। सो बहुत देर मेहनत करने के बाद फाइनली पापा ने एक बार वो प्लांट ऐसे फ्लिप किया, बट ये वाला जो किया था इसमें थे ही नहीं, जस्ट वो ग्रो ही कर रहे थे, मतलब उन्होंने एक बार सिंगाड़ा निकाल लिया था फिर ये सेकेंड टाइम ग्रो कर रहे थे उसमें। सो यहाँ पे भी हमें कुछ भी नहीं मिल पाया, बट बहुत देर बाद पापा ने एक और प्लांट फ्लिप किया, उसके अंदर हमें सिर्फ एक सिंगाड़ा दिखा और वो भी कच्चा था, लेकिन जितना कच्चा सिंगाड़ा और जितना ग्रीन होता है ना उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्वीट लग रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था। यहाँ मैंने पहली बार कच्चे सिंगाड़े खाए, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे बॉईल करके खाया जाता है।
सो ये था वो सिंगाड़ा एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है वैसे वीडियो में भी, एंड मुझे अभी फिर मन कर रहा है खाने का। और यहाँ पे ये नारी का साग है। अगर आप मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो कि ये क्यों इतना स्पेशल है। और यहाँ पे मैंने क्यूट से पपीज देखे थे। फिर ये जो जगह है जो मैंने आपको ऊपर से टेरेस से भी दिखाई थी, सो यहाँ पे ये लोग सिंगाड़े निकाल रहे थे, लाइक इनको पैसे दिए जाते हैं ये करने के लिए, जिनका भी प्लॉट होता है वो उनको देते। और इनके पास बहुत सारे सिंगाड़े थे, हमें चाहिए तो हम इनसे ले भी सकते हैं। और यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है, ये सारे सिंगाड़े मैंने जो पहले दिखाया था वो कच्चे थे, और ये सारे रेड वाले सिंगाड़े, ये भी टेस्टी लगते हैं। सारे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट कुछ कुछ बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, कुछ कुछ थोड़े माइल्ड टेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप एक ना एक बार लाइफ में कच्चा सिंगाड़ा तो खाने लायक ही है लिटरली। और यहाँ पे दूसरे, ये सेकंड प्लॉट था जहाँ पे लोग काम कर रहे थे, और ये जो लोग काम कर रहे थे ये लोग बहुत स्वीट थे। हमने इनको बोला था कि हमें भी चाहिए, तो उन्होंने हमको दिखाया भी था। वो बोले कि हम थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे तो आप ले लेना, यहाँ पे ये हमें सिंगाड़ा दिखा रहे थे। फिर वो बोल रहे थे कि हमारी फ़ोटो मत लो एंड शर्मा रहे थे, पर फिर भी हमने थोड़ा बोला कि कुछ नहीं आपके वीडियो में आएगा। और यहाँ पे मामा हमारे लिए पूरे 10 किलो सिंगाड़े लेकर आ गए थे, एंड उनकी स्माइल इतनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे वो बोल रहे थे 5 kg तुम लोग अभी खा लो और 5 kg तुम लोग लेकर चले जाना। तो लिटरली वो 10 kg लेकर आ गए। यहाँ पे मेरी मौसियाँ हमें छील छील के दे रही थी, और यहाँ मामा बहुत खुश थे और एकदम मस्त स्माइल कर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहे थे। यहाँ पे मम्मी, छोटू भैया, मौसी, नानी सब लोग छील रहे थे, और ये मुझे मौसी छील कर दे रही थी। सो यहाँ से फिर हम गए थे अपने चाचू के यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रास्ते में देखा था ये चरखा, जहाँ पे लोग वुल इसी से एकदम वो कर रहे थे, रस्सियाँ बना रहे थे। फिर ये हमारा जाने का दिन था, सो यहाँ पे हमारे लिए नाश्ता बनाया जा रहा था। यहाँ संध्या दीदी, मौसी, मम्मी सब ने मिल के हमारे लिए माल पे और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था। और यहाँ से जो रेसिपी स्टार्ट हो रही है वो संध्या दीदी की है। उन्होंने सोयाबीन पुलाव बनाया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हर बार यहाँ आती हूँ तो मैं खाती हूँ वो। सो उसके लिए उन्होंने पहले सोयाबीन को अच्छे से फ्राई किया था, फिर ये सारे मसाले लिए थे जो कि मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है, बट चलता है। ये मैं आपको एक यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूँगी, आई मीन वीडियो, तो फिर आप उससे समझ जाओगे। ये बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, सिनेमन था, फिर आई गेस और पता नहीं क्या क्या था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे। और यहाँ पे साथ में उन्होंने तेजपत्ता भी लिया था, और आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को मसाले थोड़े समझ नहीं आते, तो फिर आप अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे। फिर उन्होंने हींग लिया था, जीरा लिया था, ये सारे मसाले उन्होंने एक साथ रख लिए थे। फिर ये हमारे सारे सोयाबीन जो कि उन्होंने फ्राई किए थे उसको साइड में रख के ये सारा मसाला उन्होंने कुकर में डाला था, और उसको भी एकदम अच्छे से रोस्ट कर लिया था। वो सब रोस्ट होने के बाद उन्होंने यहाँ पे पनीर कट किया, फिर तेजपत्ता डाला, फिर ये जो राइस थे ये मेरे हिसाब से तो ब्राउन राइस थे, लेकिन उन लोग पुलाव वाले राइस बोलते हैं, ये दिखने में भी ब्राउन राइस जैसे ही थे। सो ये वाले राइस उन्होंने पहले अच्छे से वॉश किए, फिर यहाँ पे कुकर में अनियन डाला था, उसको भी अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने दिया था। फिर उसके बाद राइस वॉश करने के बाद उन्होंने यहाँ पे राइस जो थे वो सारे कुकर में डाले। पहले तो लग रहा था उन्होंने ज़्यादा राइस डाल दिए, लेकिन फिर बनने के बाद वो एकदम नॉर्मल रेशियो में हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे राइस बना था एंड कुकर छोटा था। सो यहाँ पे बाद में पनीर डाला, फिर उसके बाद थोड़ा आई गेस ये पुलाव मसाला है, ऐसा ही कुछ है, फिर उन्होंने ऊपर से भी डाला पुलाव मसाला, फिर उन्होंने इसमें पानी डाल दिया था अच्छे से, पानी के बाद उन्होंने नमक डाला था इसमें, एंड उसके बाद हमारा टेस्टी सा पुलाव रेडी हो गया था। ये लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रायते के साथ, लेकिन उन्होंने अभी के लिए टमेटो की चटनी बनाई थी जो कि अच्छी थी, उसके साथ भी अच्छा लग रहा था। रायता इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम सबके गले ख़राब थे, और फिर दही खा के भी फिर और तबीयत नहीं ख़राब करनी थी। सो यहाँ पे मैं सबकी वीडियो ले रही थी। ये मेरी नानी है और वो मेरी नानी की बहन है, मतलब मेरी मम्मी की मौसी, और ये मेरे नाना की बहन है जो कि बिल्कुल मेरे नाना जैसी दिखती है। यहाँ पे मामा है, फिर यहाँ पे पापा, फिर रंजना दीदी,
और खाना खाने के बाद मामा मुझे ये गुआवा दिखा रहे थे जो वो मेरे लिए लेकर आए थे, और ये एकदम अभी भी लीफ के साथ लगे हुए वही सारे वो लेकर आए थे, और बहुत ज़्यादा खुश थे मुझे दिखाते हुए। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, पर मेरा लिटरली यहाँ से जाने का मन नहीं था, लेकिन यू नेवर नो, हमें ये ट्रिप तो एंड करनी। तो ये सारे पिक्चर्स हमने आज के दिन खींची थी, एंड टू बी ऑनेस्ट ये दिन हमने नाना को बहुत ज़्यादा मिस किया था। बट नाना जिधर भी होंगे आई होप वो हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एंड उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि हम सब साथ में हैं। बट दिस वॉज द एंड ऑफ माई कानपुर ट्रिप, सो आई रियली होप यू गाइज वुड हैव इन्जॉयड दिस वीडियो, एंड ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ देखने के लिए डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अभी मेरे 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए, आई एम थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग, बाय, आई लव यू।